हेलो गाइस, देखिए हम आप लोग के लिए फिर नई रेसिपी लेकर आए हैं। और यहाँ पर रखा हुआ है सोयाबीन, उबला हुआ आलू, कटा हुआ प्याज, हरा मिर्च और देखिए यहाँ पर रखा हुआ है मसाला। मसाला में लहसुन, मिर्चा, गुलकी, जीरा, हल्दी, नमक सब डाले हुए हैं। और हम चढ़ा दिए हैं कढ़ाई चूल्हा पर गर्म होने के लिए। इसमें डाल रहे हैं सरसों का तेल। तो देखिए सरसों का तेल थोड़ा देर गर्म होने के लिए रहने दिए हैं। और सोयाबीन को अच्छे से धोकर उसमें से जो पानी होता है ना निचोड़ कर कढ़ाई में डालकर उसको हल्का भूंज रहे हैं। भूंजने से सोयाबीन का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा तेल डाल दिए हैं और उसी कढ़ाई में। और उसके बाद फिर जो कटा हुआ हरी मिर्च था उसको हम डाल दिए हैं और डालेंगे इसके बाद हरा मिर्च। जब लाल थोड़ा हो जाएगा ना तो उसके बाद डालेंगे कटा हुआ प्याज। तो देखिए कटा हुआ प्याज हम डाल रहे हैं। इसको हल्का सा रोस्ट करना है अच्छे से, थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए। प्याज हल्का सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम डालेंगे उबला हुआ आलू। तो देख रहे हैं किस तरह से रोस्ट हो रहा है हमारा प्याज। प्याज अच्छे से, ज़्यादा नहीं हमको भूनना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। तो फ्राई हो चुका है प्याज, तो इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू। देखिए हमने डाल दिया है, तो इसको भी अच्छे से एकदम फ्राई करना है लाल करके। आलू, प्याज और मेरा सोयाबीन अलग से रोस्ट करके रखा हुआ है, तो दोनों मिलाकर फिर एक बार भूनना है। तो देखिए किस तरह से हम आलू और प्याज को फ्राई कर रहे हैं। ये डिश खा कर देखिएगा, बहुत ही प्यारा लगता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। और बहुत इजी बनने वाला डिश है, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगता है और अच्छा लगता है, फ़ायदेमंद भी होता है। सोयाबीन सब लोग को खाना भी चाहिए। और हम डाल दिए हैं थोड़ा सा नमक। नमक पहले इसलिए डालना चाहिए ना कि आलू के अंदर जो नमक होता है ना वो अच्छे से पिस जाता है, तो आलू का टेस्ट नमक अच्छा लगता है खाने में। और नहीं अगर डालिएगा ना, बाद में डालिएगा तो क्या होता है कि मसाला टाइप का लगेगा नमक, आलू के अंदर नमक पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए हम जो सोयाबीन था उसको भी डाल दिए हैं एक साथ। अब तीनों को मिलाकर फ्राई हल्का कर दिए हैं। उसके बाद फिर जो मेरा मसाला पीस कर रखा हुआ था वो हम सब मसाला डाल दिए हैं। तो मसाला को भूनना है अच्छे से ताकि मेरा मसाला कच्चा ना रहे, पूरा अच्छे से एकदम ड्राई होने के लिए भूनना है। तो देख रहे हैं आप लोग कि किस तरह से हम भूंज रहे हैं, पूरा एकदम अच्छे से फ्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, तो अच्छा लगेगा। और आप लोग चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा आलू जो है उबला हुआ है, सोयाबीन ऐसे भी खाया जाता है और खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है। अगर आप लोग एक बार बना कर देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इसको पराठा या रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर दाल चावल खाना है ना तो दाल चावल और ये सब्जी अलग से लेकर खा सकते हैं, तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो देख रहे हैं कि किस तरह से हम भूंज रहे हैं। इसको पूरा अच्छे से एकदम फ्राई करना है एकदम सूखा कर। अगर ग्रेवी आपको चाहिए तो हल्का पानी डालिए, ज़्यादा नहीं डालिएगा, ज़्यादा डालने से टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हम डाले हैं हल्का और इसको भी अच्छे से फ्राई कर देंगे एकदम सूखा हुआ सब्जी बना रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स पड़ा भी नहीं है, नॉर्मल मसाला है। तो देख रहे हैं आप लोग एकदम मेरा सब्जी जो है एकदम ड्राई हो गया है और बहुत ही बढ़िया से एकदम सूख गया है और फ्राई भी हो चुका है। तो मेरा सब्जी हो गया है रेडी। देख रहे हैं आप लोग कि किस तरह से लग रहा है, सोयाबीन और आलू है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग इंजॉय ज़रूर कीजिएगा।